अगर आज की वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि एक दिन के अंदर कुछ ही घंटों में इनफैक्ट आप अपने गंजे सर पे बाल वापस ला सकते हो। आपके जो मांग में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई थी, यहाँ पे बहुत गंजापन दिख रहा था, बाल बहुत कम थे, वो अब घने दिखेंगे, बालों में डेंसिटी दिखेगी और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील कर पाओगे। अब ये कैसे होगा ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे तरीके बताने वाली हूँ आपके बालों को कुछ ही घंटों में वापस लाने के लिए। आप देख रहे हो नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुन करके आपको बहुत ही आश्चर्य लगा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है। बट अगर आप ये किसी DIY के जरिए करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कोई मैं आपको ऑयल शैम्पू DIY बता दूं, वो लगा लो कि और बालों की ग्रोथ फटाफट से बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली। आपने एक चीज नोटिस की है, कभी हीरो हीरोइन को मूवीज में देखो तो उनके बाल बहुत ही सुंदर लगते हैं, बट कभी वो अगर रैंडम इंस्टा पे अपना कुछ वो अपलोड कर दे, एकदम नेचुरल जैसे वो रहते हैं वैसा वो दिखा दे, तब आपको नजर आए उनके बाल बहुत हल्के और पतले होते हैं। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि अचानक से उनके बाल सुंदर लगने लग जाते हैं, या टीवी एड्स में भी उनके बाल बहुत ही वॉल्यूमिनस लगते हैं, ऐसा कैसे? बताऊंगी, ये भी एक बॉलीवुड के सीक्रेट राज की बात है, जो पता चली है वो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा, और रेखा बी नेचुरल मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज की बात करें तो कोई भी नेचुरल रेमेडी एक दिन में तो बाल आपके नहीं उगाएगी। हाँ, हेयर फॉल स्टॉप कर दे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर आप प्याज का जूस वगैरह लगा लें, या मैंने बहुत सारी हेयर से रिलेटेड DIY रेमेडीज शेयर की है, वो करोगे तो आपके एक दिन में बाल टूटना बंद हो जाएंगे और कुछ हफ्तों में बाल नए आना स्टार्ट हो जाएंगे और महीनों भर में आप देखोगे बालों में डेंसिटी वापस आ गई है। लेकिन मेरी वीडियो है इट्स ऑल अबाउट कि एक दिन में ही बालों को कैसे पाए। बालों की बात करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू, पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल स्टार्ट हो गया है। 20 से लेकर 27 फरवरी तक अप टू 50% ऑफ आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ NYB के शिमर ड्रॉप, बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड्स में है। ये है पर्ली पिंक। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा फेयर है तो आप ये वाला जरूर यूज़ कीजिएगा, आपके स्किन पे बहुत अच्छा सूट करेगा। अगर आपका स्किन टोन मेरी जैसा है तो आप ये नेक्स्ट यूज़ करो, गोल्डन ग्लैम, बहुत ही अच्छा, हाईली पिगमेंटेड है ये, ईजिली ब्लेंड हो जाता है, स्किन में एकदम मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, बहुत लाइट वेटेड है। और डार्क स्किन टोन वाले ये वाला यूज़ कर सकते हैं, आपके स्किन पे बहुत अच्छे से ये काम करता है। वॉन्ड भी बहुत प्रिसाइज है और एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तीनों शेड्स काफ़ी अच्छे हैं इंडियन स्किन टोन के लिए, मेकअप करने के बाद, मेकअप करने से पहले, या फिर अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो सिर्फ यही वाला लगा लो। मैं 03 शेड लगा रही हूँ, तो ज़रा सा आपको एक स्ट्रोक मारना है, स्ट्रोक मारते ही आप देख रहे हो कि गाल कैसे चमक रहे हैं, है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके अंदर कोई भी पैराबिन नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा बजट में है। लाइक आपको आफ्टर डिस्काउंट 150 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा, करंटली 27% ऑफ है, कूपन कोड यूज़ करोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाता है। शिमरी फिनिश है, इसको लगाते ही स्किन बहुत ग्लोई ड्यूई सा लगता है, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं, जो भी शेड आपके स्किन को सूट करे। तीनों का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां क्लिक करके आप अपने लिए चेकआउट कीजिएगा, कूपन कोड यूज कीजिएगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड शॉप। एक दिन में ही बालों को कैसे पाएं? सो उससे पहले आप मुझे बताओ, आपने माइक्रो ब्लेडिंग के बारे में सुना है? माइक्रो ब्लेडिंग आपके आईब्रोज पे किया जाता है, जिनके आईब्रोज बहुत कम होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो किसी भी सैलून में जा करके जहाँ ये चीज की जाती है, तो एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में माइक्रो ब्लेडिंग की जाती है। इसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं होता है, कुछ घंटों का प्रोसेस होता है और देखने में लगता है आपके आईब्रो आगे घने हैं, सुंदर है, बड़े लगते हैं, अच्छे लगते हैं, यहाँ पे बाल वापस आ जाते हैं, ऐसा देखने में लगता है। बट एग्जैक्टली वो हेयर नहीं होता है, वो माइक्रो ब्लीडिंग होता है, जो कि किसी टूल से किया जाता है। अब सेम कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपके स्कैल्प पे किया जाता है, जिसको कहते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। माइक्रो ब्लीडिंग और पिगमेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। माइक्रो ब्लीडिंग किसी भी सैलून में आप कर सकते हो, लेकिन जो स्कैल्प पे होता है वो आपको स्पेशलाइज्ड जो हेयर के एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको करके देते हैं। ऑल्दो दोनों में ही कोई ज्यादा खास सर्जरी की जरूरत नहीं है, स्टिचेस की जरूरत नहीं है, बस आपके यहाँ वाले हिस्से को थोड़ा नम कर दिया जाता है एंड देन माइक्रो ब्लीडिंग की जाती है। और माइक्रो पिगमेंटेशन भी कुछ घंटों का प्रोसेस होता है, तो कुछ घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और आपके बाल वापस आ जाते हैं। वापस कैसे आते हैं? जिस स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, जो कि आपके स्कैल्प के ऊपर जहां बाल नहीं होते हैं, गंजापन होता है, वह इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपके बाल वापस आ गए हैं, मतलब रियल वाले बाल नहीं होते हैं, बट दूर से देखने से आप गंजे, टकले, कम बालों वाले नहीं लगते हो, लगता है आपके सर पे बाल बचे हुए हैं। इसको कहते हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। इसे एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक टैटू डिवाइस से किया जाता है। माइक्रो ब्लेडिंग यहाँ पे होती
होती है तो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, बट यहाँ आपके कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करते, छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, मतलब आपके बालों के कलर्स में ही, ताकि वो एकदम दूर से बालों का इल्यूजन क्रिएट करके दे पाए, एकदम बालों का शेडो क्रिएट हो जाता है और कोई पहचान नहीं पाता कि यहाँ बाल नहीं है या माइक्रो पिगमेंटेशन करा रखा है आपने। ये आपके बालों का एकदम नेचुरल रेप्लिका क्रिएट होता है जो कोई पकड़ नहीं पाता। आपके कॉम्प्लेक्शन और आपके बालों की हेयर टाइप कलर के हिसाब से जो प्रोफेशनल आपके कर रहे होते हैं वो इतनी बखूबी से कर देते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाता है कि कौन से रियल बाल है कौन सा माइक्रो पिगमेंटेशन किया हुआ है। एकदम हेयर फॉलिकल ही लगते हैं वो आपके, कि नए बाल उगने वाले हैं, वो वैसे बाल होते हैं। अभी कौन से लोगों को कराना चाहिए, जैसे कि कुछ कुछ लोगों में ना बहुत डिफिकल्ट होता है अपने बालों को वापस पा पाना, उनको या तो कैंसर हो, आपको पता है कि उससे बाल पूरे चले जाते हैं, इजीली आ नहीं पाते, डीआईवाई कुछ नहीं कर पाता, एलोपेसिया सीवियर वाला हो रखा हो, थिनिंग ऑफ हेयर हो, मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रखा हो, तो ऐसे लोगों को इसकी जरूरत होती है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनके लिए किसी भी तरीके का कोई भी डीआईवाई असर नहीं कर रहा है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो आप एक बार इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि क्या मैं माइक्रो पिगमेंटेशन करा सकती हूँ या सकता हूँ, एंड देन आप ये करा लोगे तो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ पाता है, क्योंकि बाल तो हम लड़कियों के लिए भी गहना होता है और लड़कों का भी गहना होता है, कम उम्र में बाल चले जाते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि 20-25 साल की उम्र में ही लोगों के सर से बाल चले जाते हैं, और ऐसे में आप कम उम्र के होते हो लेकिन बाल नहीं होते तो दिखता है कि आप बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के हो, कॉन्फिडेंस एकदम चला जाता है। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को रिगेन करने के लिए आप ये वाला प्रोसेस एक बार ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक और दूसरा आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ये ब्यूटी डीआईवाई हैक में कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए कि आपकी मांग बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है, फटाफट से वहां पे आपको टचअप चाहिए, पार्टी में जा रहे हो, तो यहाँ ब्लैक कलर का आई शेडो लगा सकते हो, फटाफट से आपके खोए हुए बाल ऐसा लगता है कि वापस आ गए हैं, कम बाल नहीं है, सही बाल लगते हैं, ठीक है, कोई डैमेज नहीं कर रही आपके बालों को, रोज नहीं लगाना है, जब आपको अर्जेंट लगे तब आप लगा लो, या फिर ब्लैक स्प्रेज आते हैं स्पेशलाइज्ड बालों के लिए, उसको आप स्प्रे कर सकते हो, फटाफट से वो भी आपके बालों का जो गैप है वो भर देता है और बाल घने नजर आते हैं। ये कुछ सेकंड्स में ऐसे रेप्लिका आपके बालों का क्रिएट करता है कि लगता है कि हाँ आपके सर पे बहुत अच्छे और घने बाल है। ये आप कर सकते हो तो आपको सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि बाल वापस आए, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो सेलिब्रिटीज वगैरह करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि सेलिब्रिटीज के मूवीज में बाल बहुत अच्छे होते हैं पर पर्सनल लाइफ में उतने अच्छे नहीं होते, तो क्योंकि मूवीज में उनको अच्छा दिखना होता है, तभी तो हीरो हीरोइन है, हर चीज परफेक्ट टच होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, तो ऐसे में जब उनके बाल कम होते हैं तो उनके हेयर स्टाइलिस्ट उनको कुछ इस तरीके के एक्सटेंशंस लगाते हैं जिनमें क्लिप्स होती हैं, ठीक है, तो ये क्लिप्स को ये जहां जहां लगता है कि कम बाल है वहां लगा करके भर देते हैं। बहुत सारे क्लिप्स के पैचेस आते हैं एकदम यहाँ पे डाल दिया या फिर विग पहन लिया, ये बहुत सारे सेलिब्रिटी मतलब 90% सेलिब्रिटीज ये ही करते हैं ताकि उनके बाल अच्छे वॉल्यूमाइज नजर आए। तो आप इस तरीके के क्लिप्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बहुत सारे स्टोर्स में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो। सो कुछ इस तरीके से आप अपने बाल में लगा लो, और पहले आपके कम बाल थे अब आपके अचानक से बहुत ज्यादा हैवी बाल हो जाते हैं, है ना। तो ये सब विग्स एक्सटेंशंस वगैरह आप ले सकते हो। मेरी स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो व्यू प्रोडक्ट का यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है, जो भी चीजें मैं दिखाती हूँ वीडियो में उसका लिंक दे देती हूँ, तो वहां से भी आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज आती है जिसको कहते हैं परमानेंट हेयर एक्सटेंशन। अब कहने को परमानेंट है पर एक्चुअली परमानेंट होता नहीं है, कई महीने तक लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आप पार्लर में जाकर के बाल जुड़वा सकते हो, अगर आपके बालों का लेंथ कम है, बहुत कम लगते हैं, सो पार्लर में जाओगे ना तो वो आपको इस तरीके से आपके बालों में दूसरे आपके बालों से ही मिलते जुलते बाल ऐड कर देते हैं। और आजकल तो कई लोग करा रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज, नॉर्मल लोग, हर कोई करा रहा है, तो आपके बाल भले ही इतने छोटे से हो लेकिन फटाफट से इतने लंबे बाल देखने में लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, और कोई पहचान नहीं पाता ये असली बाल है या नकली बाल है, एकदम आपके नॉर्मल बालों से मर्ज हो जाता है। ये वाला मेथड भी आप कर सकते हो अगर आपको बाल आ ही नहीं रहे हैं और इंस्टेंटली आप अपने सर पे बाल चाहते हो तो। सिमिलरली जिन लोगों की पलकें कम होती हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, वो परमानेंट आई लैशेस एक्सटेंशंस भी लगा लेते हैं। अगेन नाम से परमानेंट है, वैसे परमानेंट नहीं है, वो ग्लू से चिपका देते हैं कुछ लैशेस को, और देख करके लगता है कि नेचुरली आपके आई लैशेस इतने कर्ली वेवी वॉल्यूमिनस हैं, बट एक्चुअल में आपने वो एक्सटेंशंस लगवाए होते हैं और ये एक आध महीना तक आपकी आंखों पर टिक जाता है, डिपेंड करता है कहां से आपने लगवाया है और क्या क्वालिटी का है। तो ये प्रोसेस भी आप कर सकते हो। ब्यूटी के लिए तो बहुत कुछ मार्केट में आजकल अवेलेबल है, अगर जेब में पैसे हो तो करा लो, अगर जेब में पैसे ना हो तो थोड़ा सा इंतजार करो, पेशेंस रखो, भी नेचुरल की DIY वीडियोस देखो और उसको फॉलो कर लो आप। ये तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए जिससे आप इल्यूशन क्रिएट कर सकते हो कि आपके सर में बाल हैं, चाहे वो माइक्रो ब्लीडिंग हो या हेयर एक्सटेंशंस हो या फिर आपने विग लगा रखी हो। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे बाल असली बाल ग्रो करेंगे, लेकिन मैं कोई DIY नहीं बताऊंगी, क्योंकि DIY
में टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ ये 100% इफेक्टिव होता है। पर अगेन कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है अभी आपकी। सबसे पहले ये जान लो कि नॉर्मली आपके बाल ना हर महीने में 1 इंच उग जाते हैं, ठीक है। अब उस पर भी डिपेंड करता है, स्पीड कम ज्यादा भी हो सकती है कि कैसे आप ध्यान रखते हो, डाइट आप क्या लेते हो। हर बाल की अपनी एक उम्र होती है, एक बाल जब ग्रो करता है ना तो वो कम से कम 6 साल तक वो जिंदा रहता है और उगता रहता है, लंबा होता रहता है आपके बाल। ये जो मेरे बाल मेरे सर पे दिख रहे हैं ये कम से कम 6 साल से है मेरे सर पे, इनकी उम्र है उगने की, ग्रो करने की 6 साल तक, 6 साल बाद वो उतना ग्रो नहीं करते, ठीक है। फिर एक उम्र जब इनकी हो जाती है, मतलब हमारे तो एक उम्र होती है, मतलब अब तो लोग 80-90 साल बाद नहीं रहते हैं, हर महीने आधा से 1 इंच हमारे बाल उगते हैं, मोस्टली आधा इंच। सो 6 साल तक हमारे बाल उगते हैं और 6 साल बाद रेस्ट करते हैं, वो फिर उगते नहीं है, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो 6 साल से जो मेरे बाल उग गए हैं वो अब रेस्टिंग पोजीशन में हैं। और जब इनका रेस्टिंग का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है फिर ये जड़ों से निकल जाते हैं और उसके बाद उनकी जो जगह होती है वो नए बाल ले लेते हैं, पुराने बूढ़े बालों को रिप्लेस करके नए बाल उगाते हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे बाल जो 85% बाल होते हैं वो ग्रो करने वाली पोजीशन में सिचुएशन में होते हैं और बाकी के जो बाल होते हैं वो रेस्टिंग सिचुएशन में होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है हमारे, मतलब अच्छा नहीं होता है हमारा लाइफस्टाइल, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, डाइट नहीं लेते, या आपको कोई बीमारी होती है, अंदर से किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, तो वो बाल एक बार जो चले गए तो नए बाल उसको रिप्लेस नहीं कर पाते। तो नए बाल अगर नहीं आ रहे हैं तो बालों के बीच में गैप आता है जिसकी वजह से फीमेल या मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको हो जाता है। तो जहां बाल नहीं उग रहे हैं वहां बाल उगाने के लिए और जो बार बार अपनी उम्र से पहले बाल टूट जा रहे हैं उनको बचाए रखने के लिए आपको एक चीज अपने सर पे लगानी चाहिए जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। पर याद रहे मैं जिस चीज का नाम लेने वाली हूँ वो आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेना है, खुद से कोई इंटरनेट पे वीडियो देख करके नहीं लेना है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप परेशान हो तो ये चीज आती है और बहुत इफेक्टिव है, एक बार जाओ डॉक्टर से पूछो कि क्या आपकी बॉडी इसको ले सकती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है। फलाना को कुछ सूट किया आपको सूट करे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो मोस्टली सूट करती है। मैं बात कर रही हूँ मिनोक्सीडिल के बारे में। सो ये एक तरीके का सीरम है जो आप अपने बालों के ऊपर लगाते हो, जहां जहां आपके बाल टूट गए हैं वहां बाल वापस आ जाते हैं, कुछ ही महीनों में आप देख सकते हो कि बाल कैसे पहले जैसे हो गए हैं। ये इतना ज्यादा पोटेंट और इतना इफेक्टिव होता है कि गलती से आपने उसको अपने फेस या स्किन पे लगा लिया ना तो आपके फेस में भी फेशियल हेयर आने लग जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, या इफेक्ट बोल लो, कि इतना इफेक्टिव है कि जहां गिरेगा वहां आपके बाल निकाल करके रख देगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहे हो तो प्लीज बिल्कुल भी मत लेना इस चीज को। और प्रेग्नेंट औरतें तो कुछ भी कभी भी इंटरनेट पे चीजें देख करके ना ले, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ करके ही चीजें यूज किया करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोटेंट है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और ये आपके बालों के लिए बहुत हैवी मेडिसिन है। न जाने कितने ही लोगों के गंजे सर पे इसने बाल ला करके दिया है, डॉक्टर्स इसको हाईली रेकमेंड करते हैं, लेकिन पहले वो आपका टेस्ट करते हैं कि आप पे सूट करेगा या नहीं करेगा और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, वो वही सजेस्ट कर पाएंगे। सो ये इंटरनेट पे देख करके आप मत ले लेना। लेकिन इसलिए मैंने इस चीज को लास्ट में बताया, अगर आप हर चीज से थक हार गए हो, कुछ भी आपको सूट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है, बाल वापस ही नहीं आ रहे, तो लास्ट में जाकर के ये वाला ऑप्शन आप ट्राई करना और लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। मिनोक्सीडिल आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक बालों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं दे चुकी हूँ। इनमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो मेरे DIYs भी ट्राई करो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे DIY ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर बना करके आपको बताए हैं जिनमें पैसे खर्च नहीं होते और रिजल्ट आपको इफेक्टिव मिलता है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को मेरे DIY से फायदा हुआ है, मुझे बहुत सारे मेल मैसेजेस, कमेंट और पिक्चर्स आफ्टर बिफोर की भी आती रहती हैं। सो आप भी ट्राई कीजिए इन रेमेडीज को और पॉजिटिव इफेक्ट देखिए और मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा वाला मेथड ज्यादा पसंद आया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा व्लॉग चैनल देखना है, मेरी लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी जर्नी, तो मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का व्लॉग चैनल है, डू सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।